हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, आप लगातार अपने प्रयास में सफल हो रहे हैं, चाहे वो वेरिफिकेशन के लिए जगह जगह से ज्ञापन देना हो या सोशल मीडिया अभियान हो। आज भी सोशल मीडिया अभियान चलाया जा रहा है। कुछ आपके क्वेश्चन रिपीट हुए हैं मेरे हेल्थ को लेकर, उनके भी मैं आंसर देने वाला हूँ। जैसे मेरा ये ट्विटर अकाउंट है और इसी पर मैंने ट्वीट किया है दोस्तों, जिसका समर्थन काफ़ी आपके द्वारा मिल रहा है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने सभी को टैग भी किया है और ये जो हमारी एक प्रमुख मांग है उसे भी मैंने यहाँ पर रखा है, जिस पर आप ट्वीट और रीट्वीट कर रहे हैं। अपने माध्यम से भी आप अपनी बात सोशल मीडिया तक पहुँचा सकते हैं या मेरे जो ट्वीट है उसको भी रीट्वीट कर सकते हैं। आज आपके कुछ क्वेश्चन मेरे हेल्थ को भी लेकर आए, जैसे कि सर आपकी तबीयत क्या ख़राब है, इन्होंने पूछा था। साथ में हमारी ये भाई है, सेम क्वेश्चन उन्होंने भी किया। और जो हमारे सिंह जी हैं उन्होंने भी यही क्वेश्चन मुझसे पूछा। और जो हमारे ये भाई हैं इन्होंने भी सेम क्वेश्चन पूछा दोस्तों। और हमारे ये जो भैया हैं उन्होंने भी सेम क्वेश्चन कहा कि सर पर्याप्त नींद नहीं ले रहे हैं क्या। यानी दोस्तों, एक जो परिवार में हम एक दूसरे की जो फिक्र करते हैं उसको ये साफ दर्शाता है। ये मेरा मॉर्निंग का वीडियो था जिसमें आप नीचे देख रहे होंगे थोड़ी आंखें जो हैं वो सूजी हुई दिख रही हैं। तो इसी को लेकर आप सभी को फिक्र हुई, जो कि एक परिवार के सदस्य को ही हो सकती है। पढ़ के काफ़ी अच्छा भी लगा कि इतना आप फिक्र करते हैं दोस्तों, और मुझे लगा कि इसका आंसर भी मुझे देना चाहिए। तो दोस्तों, आपके वर्ग एक और वर्ग दो के वेरिफिकेशन का जैसे ही आदेश आया मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई थी। वर्ग एक और वर्ग दो के संबंध में नया आदेश जारी, बुधवार गुरुवार शुक्रवार को वेरिफिकेशन होगी। और इसके बाद में आपके जो वेरिफिकेशन है, कितने डॉक्यूमेंट्स, कितने फोटोकॉपी ले जाने, हर एक पे लगातार रिपीट वीडियो लाता रहा, क्योंकि ये मेरे लिए खुशी का मोमेंट था। ये देख रहे हैं आप वीडियो, ये मेरी वो मेहनत थी, लगातार प्रयास था, कहीं आप किसी भी जगह अटक ना जाए, कोई भी डॉक्यूमेंट्स की कमी ना रह जाए। हर एक वीडियो चार चार बार मैं रिपीट लाया, लगातार वीडियो में लाता रहा कि कहीं भी आप अटके नहीं दोस्तों। लेकिन हुआ ऐसा कि आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है वो किसी कारणवश बीच में रोक दी गई वेरिफिकेशन, और उसे लेकर काफ़ी चिंतित रहा, काफ़ी परेशान रहा, और उसका असर मेरी नींद पर डायरेक्ट पड़ा दोस्तों। और फिर यहाँ से दोस्तों एक नया दौर शुरू हुआ कि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती काउंसलिंग फिर से शुरू हो। इसके लिए सोशल मीडिया का अभियान चलाया गया जो अभी भी जारी है दोस्तों। हर जिले से ज्ञापन दिए गए जिसके बारे में आपको बताता रहा। इन जिलों में ज्ञापन दिया जा चुका है, इन जिलों में से ज्ञापन देना है। आप भी खूब समर्थन कर रहे थे क्योंकि पूरी मुहिम ये आपकी थी दोस्तों, मेरा उसमें बहुत माइनर रोल था, लेकिन प्रयासरत रहे। और इसी में मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि कैसे आपकी जल्दी जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो, आपको जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग मिले, और उसके लिए भी मैं वीडियो लाता रहा। आपके काफ़ी कमेंट भी आते रहे तो उनका भी रिप्लाई मुझे लगा कि सबके पास पहुंचना चाहिए, लेकिन हाँ होता ऐसा है कि कमेंट ज़्यादा आते हैं और मैं रिप्लाई कम कर पाता हूँ। और इस चक्कर में थोड़ी सी नींद कम हो गई क्योंकि यहाँ पर टेंशन ज़्यादा हो जाता है। और सबसे बड़ा टेंशन है कि वर्ग एक और वर्ग दो की काउंसलिंग जल्द से शुरू हो और जनजाति विभाग की भी काउंसलिंग जल्द से जल्द आए, तो उसका असर हेल्थ पे पड़ना स्वाभाविक सी बात थी। हालांकि मैंने अब सोशल मीडिया का यूज उतना नहीं कर रहा हूँ जितना पहले करता था, रिप्लाई भी उतनी स्पीड में नहीं दे पा रहा हूँ, और हेल्थ को मैं सबसे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। उसमें आप भी कह रहे हो कि सर पहले हेल्थ को ध्यान दें, बाकी चीज़ बाद में है, तो हेल्थ को भी ध्यान दे रहा हूँ और चीज़ों को भी ध्यान दे रहा हूँ। और मन में एक ही बात है कि जो है आपकी काउंसलिंग जल्दी से जल्दी हो जाए, जिससे कि इसी सत्र में आपकी ज्वाइनिंग हो जाए। तो ये मेरा एक हेल्थ के बारे में था, और ये मैं तो बहुत कम आपकी चिंता कर रहा हूँ, आपको कितना टेंशन होगा उसे मैं अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। जब मुझे इतना टेंशन है आपकी ज्वाइनिंग को लेकर, तो आपको स्वयं कितनी टेंशन होगी, क्योंकि आप तो उस नाव में सवार हैं जहाँ पर आप मंजिल पर पहुँचने वाले थे, लेकिन बीच में ऐसा हुआ कि थोड़ा डिले हो गया। और पूरी उम्मीद है कि इसके बाद भी जो एक गवर्नमेंट डिसीजन लेगी वो सबके हक में होगा और बहुत जल्दी आपकी ज्वाइनिंग होगी। इसी उम्मीद से सोशल मीडिया और ज्ञापन पर लगातार आप द्वारा ये मुहिम जारी रखी जा रही है। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा अपडेट था। आपका जो प्यार है, आपका जो स्नेह है, वो बाकी में एक परिवार से भी बढ़कर है, जो इतना मेरे वीडियो को देखकर मेरी हालत का अंदाज़ा लगा लेते हैं।
और उन्हें मेरी हेल्थ की फिक्र हो जाती है। तो सभी को बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मेरी गॉड से एक ही विनम्र निवेदन है, गवर्नमेंट से भी विनम्र निवेदन है कि अब जल्द से जल्द ज्वाइनिंग हो जाए मेरे भाई बहनों की, चाहे वर्ग एक की बात करूं, वर्ग दो की बात करूं, और पदों में वृद्धि हो जाए जिससे कि जो लोग बाहर हो गए हैं उन्हें भी लाभ मिल सके। दोस्तों बस यही मैं चाहता हूं और इसी के लिए हम सभी प्रयासरत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपके कमेंट्स पढ़कर आज एक परिवार से भी बढ़कर फीलिंग अपने अंदर आ रही है कि आप कितना सोचते हैं मेरे बारे में। शायद ही बहुत कम इतने लकी लोग होंगे जिन्हें इतना प्रेम और सम्मान मिलता है, और मैं उनमें से एक हूँ। इस बात को मैं कैसे बयान करूँ मुझे भी पता नहीं है, लेकिन हाँ आपकी ये बात है कि अपनी हेल्थ का पहले ध्यान रखना है। बिल्कुल मैं अपनी हेल्थ का पहले ध्यान रखूँगा, और आपने इस वीडियो को देखने के लिए इतना समय निकाला उसके लिए धन्यवाद दोस्तों।